हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इन दिनों लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि हरियाणा शहर प्राधिकरण की कॉलोनियों का हाल इतना बुरा हो चुका है कि वहां लोग रहना तो दूर की बात, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। कुरुक्षेत्र में पॉश एरिया कहे जाने वाली हरियाणा शहर प्राधिकरण की कॉलोनियों में गंदगी कई गुना बढ़ गई है। आलम यह है कि करोड़ों रुपए की कोठियों में रहने वाले लोगों को गंदगी के चलते डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी फैलने की आशंका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हुड्डा प्रशासन और नगर परिषद दोनों में से कोई भी सेक्टर 8 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो कई बार संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे पर मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। शायद प्रशासन भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। महीनों से गड्ढों में खड़ा गंदा पानी और चारों तरफ फैली गंदगी हुड्डा के सेक्टर 8 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बासिंदों की परेशानी खुद बयां कर रही है। जैसा कि आपने अभी देखा कि पूरी तस्वीर साफ करती है कि हुड्डा ने आज तक यहाँ पर कोई सफाई नहीं की है, जबकि यहाँ के लोग हुड्डा को इतने तरह के टैक्सेस पे करते हैं और सिविक एमिनिटीज नाम की कोई चीज़ नहीं है। मच्छर इतने ज़्यादा हैं, उसे मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है। और अभी हमारे एक पड़ोसी कह रहे थे कि उसके प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनको डेंगू होने का पूरा खतरा है या डेंगू का वायरस उनके अंदर है। तो लोगों ने बहुत बार कंप्लेंट की, मैंने खुद भी जेई और एसडीओ को पर्सनली मिला। मैं उससे पहले मैं इन राइटिंग दे के आया, मेरे पड़ोसी भी और भी दे के आए, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। कितने समय से आप मैं तो अभी पिछले 5 महीने से यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ के और दूसरे जो निवासी हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 2 साल से वो 7 साल जी ये मेरे पड़ोसी कह रहे हैं कि 7 साल से यहाँ रह रहे हैं और कोई भी सफाई व्यवस्था का कोई भी काम नहीं किया जाता है। साथ के साथ पूरी सड़कें टूटी हुई हैं, जितने भी हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स हैं इनके बाहर बाहर से। यहाँ लोगों ने जो फ्लैट्स या मकान जो बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि हुड्डा ने ये डेवलप किया है, हाउसिंग बोर्ड ने ये डेवलप किया है, लोग अपने जो है ये डेवलप करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे तो सिर्फ खाना पूर्ति है। तो गंदगी बहुत है, बदबू है। इतनी गंदगी है कि पूरे के पूरे सीवरेज चौक हैं और पानी ओवर फ्लो करता है और वो सामने जो खाली प्लाट्स हैं उनमें भर जाता है, जिस वजह से हमारे घर का ही जो भी कुछ गंद बाहर निकलता है उसको हम ही सूंघते हैं और बहुत भयंकर तरह की बीमारियां फैलने के पूरे पूरे आसार हैं। तो हम चाहेंगे कि हुड्डा इसको जल्दी से जल्दी इसको साफ करे ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। हम लगभग 4-5 महीने से यहाँ रह रहे हैं और पानी इतना इकट्ठा हुआ हुआ सीवरेज का, वैसे भी गंदा है और इकट्ठा पानी, साफ पानी भी इकट्ठा हो जाए तो उसमें भी मच्छर पैदा हो जाते हैं और डेंगू का तो मच्छर साफ पानी में ही पैदा होता है। हाँ, काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं और अरेंजमेंट इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है मच्छरों का, कभी रैकेट चलाना पड़ रहा है, कभी स्प्रे करना पड़ रहा है, तो वो तो इंडोर हो गया और आउटडोर पूरा गंदा है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं की। सफाई, सड़कों की मेंटेनेंस जो हुड्डा प्रोवाइड करता है वो उसको प्रोवाइड करना चाहिए, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसेस शशि काजल, यहाँ हम 7 सालों के रह रहे भाई साहब, 7 सालों के यहीं पे हैं। यहाँ पानी, बारिश का पानी, सीवरेज का पानी, हर एक सीवरेज लीक है। कंप्लेंट कर ली, जेई से बात करी, जेई ऊपर से उल्टा कांग्रेस सरकार के टाइम में उल्टा बोल रहा ये नहीं होएगा, जो तुमने करना कर लो। आज 6 महीने में खुद बीमार रहा, पड़ोसी सारे बीमार है, परेशान है, रात को बच्चे बिल्कुल दुखी हैं, ग्रीन बेल्ट का हाल देख लो, सारी जगह बुरा हाल है। और यही मांग करते हैं जल्दी से ठीक करें, नहीं और कोई कदम उठाना। SDO को दी, CM विंडो में दे ली, सबको कोई कार्रवाई नहीं, देखने नहीं आते, कार्रवाई तो क्या करेंगे। कितने साल से? 7 साल। क्या नाम आपका? अमित बोदला। जब भी उड्डो ऑफिस में कंप्लेंट करने जाते हैं ना, वो बोलते हैं रजिस्टर रखे, रजिस्टर में कर दो। हमने एक बार बात की उनसे, वो बोल रहे भाई मार्क करके दो एप्लीकेशन,
वो मना कर देते हैं, मार्क भी नहीं करते, देखते ही नहीं, पहले बोलते हैं रजिस्टर है, रजिस्टर में कर देंगे, लाइट की कोई भी समस्या, पानी कोई समस्या, रजिस्टर में करते हैं सब, मिलते ही नहीं। आज फलाना मीटिंग, आज सीएम के वहाँ जा रहे, आज एसडीओ को पता नहीं कौन है, वही सरदार जी है, कोई जेई था पीछे, रामपाल शायद, रामपाल आया था वो बहस करके गया था, जेई था रामपाल, बिल्कुल बदतमीज है उसको बोलने की नहीं अकल, हाँ। और कोई भी बात करते हैं, आज सीएम की मीटिंग है, वहाँ ड्यूटी लग रही है, आज ये है, आज फलाना ये है, बस वो उनकी ड्यूटी देते हैं, यहाँ कुछ भी टाइम नहीं मिला है, 7 साल में कहाँ टाइम मिले था, अनिल विज जी उ आएंगे, उरों को निकल कर भग जाएंगे, कोई प्रोग्राम सब यहाँ को जाते हैं, कोई यहाँ इधर देखते ही नहीं।